हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू जो 3 जुलाई को हुआ है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है मेरे पास आए हैं, जिनका मैंने वीडियो बनाया है। आइए चलिए देखते हैं 3 जुलाई को कौन कौन से वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किया है जो कि वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने उसे पिछले वीडियो में नहीं डाल पाया। वो यूपी का और कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर, मतलब एक गिलास है जो पानी से भरा हुआ है, के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जब बर्फ पिघलेगी तो क्या अंतर होगा। मतलब एक गिलास भरा हुआ है पानी से और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा भी डाला हुआ है, तो उस समय बर्फ पिघलने के बाद उसमें क्या अंतर आएगा। तो बर्फ पिघलने के बाद गिलास में कोई अंतर नहीं आएगा और जल का स्तर वही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो, वो नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो नीति निर्देशक तत्व है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रमुख उद्देश्य है देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य? देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। अगला जो पूछा गया था, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं, मतलब हम कालीन को झटका देते हैं या छड़ी से पीटते हैं धूल हटाने के लिए, तो इसका क्या कारण है। तो कालीन से धूल हटाते समय हम इसको झटका देते हैं या छड़ी से पीटते हैं, तो इसका कारण यह है कि विराम की जरूरत तो में धूल अपना जो धूल उसमें जमा होता है वो स्थान घेर लेता है, अपना स्थान जमा कर लेता है, तथा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर स्थान कर लीजिएगा, अपना स्थान जमा लेता है, तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए, मतलब विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेता है, ये कह सकते हैं आप। एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो जनरेशन होता है इंसान का, तो वो आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो वो है डीएनए द्वारा, डीएनए के द्वारा पूरा किया जाता है स्थानांतरण का कार्यक्रम। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो, तुलसीदास किसके राजत्व काल में रहते थे। तो किसके राज्य में तुलसीदास थे, कि उस समय शासन किसका था? तो अकबर का शासन था। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक जो थे वो है गुरु गोविंद सिंह। ISO 9000 क्या है? ISO आप लोग जानते हैं कि अक्सर बहुत जगह लिखा रहता है, बहुत सामान वगैरह में ISO, तो ISO 9000 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अच्छे प्रबंध का मानक है, ये अच्छे प्रबंध का मानक है। एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि फेसबुक पर जितने भी लोग हैं वो लोग चाहे तो ये फेसबुक का मेरा पेज है www.facebook.com /self-guide-study-center, ये आप लोग चाहें तो इस पेज को लाइक कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। जिप्सम का रासायनिक नाम बताओ। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, Ca2SO4। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भुगतान संतुलन पथ क्या पद का क्या तात्पर्य है? भुगतान संतुलन पद का क्या तात्पर्य है? तो वो आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को भुगतान संतुलन पद कहते हैं। अगला पूछा गया था, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर की जा सकती है। जो निकट दृष्टि दोष होती है वो किस लेंस से
दूर की जा सकती है तो आउटर लेंस से। यहाँ पर पूछा गया जो जीएनपी और जीएनपी तथा एनएनपी में क्या अंतर है, केवल क्या अंतर है, तो पूंजी और मूल्यन के समान का अंतर है। अगला पूछा गया था ये परम 1000 क्या है। परम 1000 एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है, जो कि ये पूरे एशिया में दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। आप लोग जानते हैं कि 18 पुराण है और चार वेद होते हैं, तो पुराण में जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है एवं प्रामाणिक भी है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक दोनों है, और इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था आईसी का फुल फॉर्म बताओ। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। WWW का फुल फॉर्म बताओ, तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये फुल फॉर्म है याद कर लीजिएगा अच्छे से, और ये अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इन सभी वीडियो के तो इस साइट पर जाइएगा, ये लिंक जो है यहाँ पर पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ये site.google.com साइट एशिया सेंटर ऑफ एजुकेशन, या फिर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउन। हाँ, तो www का फुल फॉर्म तो पूछा गया था। उसके बाद ये पूछा गया कि इसके आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स जी www के आविष्कारक हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था, मतलब तृतीय पीढ़ी जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बना था उसमें मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया गया था, तो वो है इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग किया गया था। सोनभद्र में वर्तमान में कौन से, जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है जिला है, वर्तमान में वहाँ पर कौन सी परियोजना चल रही है, तो कन्हर नदी बांध परियोजना वहाँ पर चल रही है। कन्हर नदी बांध परियोजना सोनभद्र में चल रही है इस समय। राजकीय पक्षी का नाम बताओ, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प का नाम पलाश है। राज्य का पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो राज्य का पहला पक्षी विहार जो है उन्नाव में है और 1948 में ये बना था। यहाँ देखिए जो नीचे आप देख रहे हैं मेरे YouTube का चैनल का है लिंक, इस पर जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कविवर बिहारी किस काल के कवि थे, तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी के युग में कविवर बिहारी का नाम बहुत ही लिया जाता है, तो ये रीति काल के कवि थे, रीति काल के कवि हैं, कवि थे सॉरी। अगला क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी हैं। अगला जो था पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है, पिछड़ा वर्ग का कल्याण मंत्री कौन है, वो ओम प्रकाश राजभर है। एक चीज ये है बताना चाहूंगा कि जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं पिछले इंटरव्यू में, जैसे जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को मैंने दोहराया नहीं है, इसलिए आप लोग को उन सभी क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में देख लें, क्योंकि पिछले वो सब क्वेश्चन से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखें। सोचना ये है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा या फिर डालूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी ज़रूर करें, कमेंट बहुत कम आता है, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग को भी। धन्यवाद।